बहुत अच्छा लग रहा है शंभू। आप क्या पी रहे हो? आपने इसको पूरा फ्रीज कर दिया है और आपका गला खराब होगा दोबारा से। फिर दो दिन से आपको कोल्ड था और देखो इस बच्ची को कोल्ड था और ये बच्ची क्या कर रही है, ये नहीं मानती है। अब मैं अब शाम को पापा को दिखाऊंगा आपको ये वीडियो। ठीक है, पापा ने अलाउ कर दिया। अलाउ कर दिया और कोल्ड होगा फिर से तो क्या करोगे? तो मैं आपको पास ऑन कर दूंगी। कल ऐसे नहीं जाने दूंगी शो में आपको। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट कोल्ड के साथ भेजोगे? वहां पे वैसे भी बहुत सारा कोल्ड हो जाएगा क्योंकि ठंडी। ये किसकी तरह कर रहे थे आप? ओके बाय, थोड़ा बाहर चलते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से इन फ्लैट्स का नज़ारा है और बहुत ही बेहतरीन। हमने ये दिवाली के टाइम पे प्लांट्स लगाए थे। जाने मेरी जाने नहीं जीनू हाँ। नहीं ओ जीनू आए। कल के बाद हमें ये फ्लैट्स वगैरह नहीं नज़र आएंगे क्योंकि हम अपने हिमाचल डलहौजी बनीखेत पहुंच जाएंगे और वहां पे हमें सिर्फ दिखाई देंगे पहाड़ और बर्फीली चोटियां। वो तो देखा जाएगा। जाना तो पड़ेगा शाम को, काफ़ी दिन हो गए हैं और हमने अभी बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। आप लिफ्ट से जाओ, हम जा रहे हैं स्टेयर से थोड़ी नीचे। चलो अब हम बैठ चुके हैं और जल्दी निकलते हैं और बाकी एक्सप्लोर करते हैं। किप्स मार्केट सराबा नगर में लुधियाना में और देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा सा फन करते हैं। तो बने रहिए आप लोगों के साथ। किप्स मार्केट में तो फिलहाल शाम को ही वहाँ स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो हमें वहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं मिला खाने को, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं द फेमस टी हट में। तो टी हट में आपको चाय के साथ साथ बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं तो आप उनको एंजॉय कर सकते हो। चलिए चलते हैं टी हट में। क्यों मोमोज क्यों नहीं मिले? क्योंकि वहाँ पे शाम को स्टॉल लगते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं टी हट में और एंजॉय करते हैं चाय के साथ कुछ स्नैक्स।
चाय पी, थोड़े से स्नैक्स खाए जैसे कि पकोड़े, मिक्स पकोड़े, और थोड़ी सी हमने वहाँ पे मैगी खाई, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, बहुत ही साफ़ सफाई से। तो टी हट बहुत अच्छी जगह है फैमिली के साथ बैठने की, गेट टुगेदर करने की, चाय शाय पीने की। तो आप ज़रूर अगर लुधियाना आएँ तो ज़रूर टी हट में आएँ और ट्राई करें स्नैक्स को, और चाय के अलग अलग फ्लेवर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है टी हट। तो अब हम चलते हैं आगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। टी हट से निकलने के बाद हम अब वापस जा रहे हैं, और हर बार जब भी हम लुधियाना आते हैं तो दीदी हमें ड्राइव पे लेके जाते हैं। तो दीदी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ये हमें पूछना चाहिए कि हमें कैसा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आया भी। टी हट में भी हमने बहुत अच्छे स्नैक्स के साथ चाय को इंजॉय किया, और बहुत सारी मंचिंग हो जाती है, तो फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, इसलिए क्योंकि डिनर में भी कई बार बाहर से हो जाता है, और आफ्टरनून में भी, तो क्योंकि इतनी हैबिट नहीं है, हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा बाहर का फूड, लेकिन अभी सभी आए हुए हैं तो हमें खाना पड़ रहा है। मतलब जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं मील्स को, स्मॉल स्मॉल मील्स, अलग अलग जगह पे जाके हम अलग अलग मील को ट्राई कर रहे हैं, और हमने अभी 20 डेज में बहुत अच्छा, मतलब वेरियस मील्स को हमने ट्राई किया, बहुत अच्छे स्नैक्स, बहुत अच्छा खाना, और बहुत ही बढ़िया रहा। और चलिए मिलते रहते हैं आपसे ब्लॉग में आगे भी। सही पकड़े हैं। दोस्तों अभी हम अब घर पहुंच चुके हैं, और काफ़ी मज़ा आया हमें। हमने एक दो जगह गए मार्केट में, और हमने वहाँ पे कुछ चाय और स्नैक्स वगैरह किए, मार्केट घूमे थोड़ी सी। तो शमु कैसा लगा आपको? फाइन। तो आज का ब्लॉग अच्छा रहा, और कल अब हम निकल जाएंगे तो उसका भी ब्लॉग हम आपको देंगे, ज़रूर देंगे, और आगे भी और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए आर ब्लॉग एंड म्यूज़िक को, एंड साथ के साथ आप हमें दूसरे चैनल म्यूजिकल वाइब्स रिकॉर्ड्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय।